आर यू ऑल? आई होप एवरी वन इज फाइन. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 5. ओके, चैप्टर 5, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. बिफोर यू रीड, सी, Do you know these words? If you don't find out their meanings, bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, systems. तो अगर आपको ये words पता नहीं है तो आपको इस meanings जो है वो आप लोग ढूंढना है. Okay? Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other school. तो इसने कहा है आप इस चित्र को देखिए और guess कीजिए कि दूसरे स्कूलों से अलग क्यों है, अलग क्यों है. Okay? So now we will see. I had heard a great deal about Miss Bheem's school, but not till last week did the chance come to visit it. See, I had heard a great deal about Miss Bheem's school. मैंने कुछ एक deal सुनी है, means बहुत अधिक में, ठीक है, much, a lot, deal सुनी है, but not till last week did the chance come to visit it. लेकिन last एक सप्ताह से मुझे chance नहीं मिला है वहाँ उस school की मुलाकात लेने का. Okay? यहाँ ऐसे ये लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. Okay? So how it is different from other schools? तो उसने कुछ सुना होगा, तो वो बोल रही थी मैंने भीम स्कूल के बारे में तो सुना है, लेकिन एक सप्ताह से मैंने उसे विजिट करने का मौका नहीं मिला. When I arrived there was no one in the sight but a girl of about 12. लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था. Inside means to be seen, मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा था. But a girl of about 12. लेकिन वहाँ एक 12 साल की लड़की उसे दिखाई दी. कोई नहीं था स्कूल में. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि वहाँ स्कूल बिल्डिंग है, गार्डन भी दिखाई दे रहा है, फूल, लड़की दिखाई दे रही है, लड़का दिखाई दे रहा है. लड़की जो है वो कितने साल की है? 12 साल की है. हर आईज वेयर कवर्ड विद ए बैंडेज. देखो बच्चों, उसकी जो आँखें है, ठीक है, उसकी जो आँखें है वो क्या की हुई है, क्या किया हुआ है, उस पर बैंडेज लगाया हुआ है. किसके? उस लड़की के आंखों पर. और उस लड़की कितने साल की है? 12 साल की है, ठीक है. यहाँ बैंडेज, बैंडेज मतलब दो प्रकार के हो सकते हैं. जैसे अपने को कभी चोट लगती है तो हम लोग बैंडेज जो है वो लगाते हैं, और दूसरा जो है उसके आंखों पर पट्टी बांधी हुई है. देखिए ना आप लोग, उसके क्या कर रहे हैं वो लोग, आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं बैंडेज. सो धीरे इसीलिए हम लोग को देखो पहले में दिखाई दिया था बैंडेज. ओके, तो हम लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ बता दिया बैंडेज. बैंडेज मीन्स आंखों पर पट्टी बांधना. ओके चिल्ड्रेंस, सो किसके स्कूल के बारे में बात कर रहे थे? यहाँ भीम्स स्कूल के बारे में बात कर रहे थे. ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, टेक्स्ट बुक ओपन कीजिएगा. हाँ बेटा, ओके. वॉज बींग लीड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटल बॉय. वॉज बींग एंड शी वॉज बींग लेड. लेड मीन्स गाइडेड, ले जाना, और उसे ले जा रहे थे. कहाँ ले जा रहे थे उस लड़की को? कि बिटवीन द फ्लावर बेड्स. फ्लावर बेड्स जहाँ फूल होती है, क्यारियाँ होती है, उसके बीच. बाय ए लिटल बॉय, छोटा सा बच्चा उसे वहाँ ले जा रहा था. हु वॉज अबाउट 4 years यंगर. तो कितना था? 4 साल. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. शी स्टॉप्ड मतलब कि वो जो है वो वहाँ जाकर शी स्टॉप, जैसे कि उसने हाथ पकड़ा तो वो जो है वो स्टॉप हो गई. एंड इट लुक्ड लाइक ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, उसने पूछा कौन आया है. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मतलब कि वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे वो उसे डिस्क्राइब कर रहा है. डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में बोलना. Then they passed on. उसके बाद then वहाँ से वो लोग निकल गए, ठीक है, कहाँ से? जहाँ वो लोगों ने देखा कि स्कूल के पास.
Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority. Miss Beam was all that I had expected. तो Miss Beam ने देखा, उसका expectation ये था कि वो middle-aged का है and उसके पास पूरी authority है. Yet kindly and understanding. तो kindly का मतलब यहाँ हुआ friendly. वो जो है वो फ्रेंडली है और अंडरस्टैंडिंग है. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. हर हेयर, तो उसके जो बाल थे, उस लड़की के जो बाल थे, वो कैसे टर्न में हो जा रहे थे ग्रे कलर में, मीन्स लाइट ब्लू कलर जैसे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट लाइकली कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड. यहाँ प्लम्प मतलब स्काउट, मोटापा. और वो कैसे प्रकार की थी, तो कि मोटापा होता है उस प्रकार की थी. और ऐसा लग रहा था कि वो होम सिक चाइल्ड, जैसे घर में बीमार हो तो घर पर रहना चाहिए ऐसी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्न वर सिंपल. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, तो उस लड़के ने उससे पूछा, थोड़े क्वेश्चंस पूछे कि आप कैसे पढ़ाते हो, आपके टीचिंग मेथड्स कैसे है, विच आई हैड वर सिंपल, जो मैंने सुने थे वो तो सिंपल थे. नो मोर दैट देन इज नीडेड टू हेल्प हिम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. नाउ नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. हो, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें हमें कुछ एक्स्ट्रा या फिर सिखानी पड़ती है चीज़ें. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. तो उसने जवाब दिया सिंपली सिंपल स्पेलिंग्स, जो सेल्फ स्पेलिंग्स होते हैं वो सिंपल सिंपल से. देन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सब जो है. द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. बाकी का जो है हम उसे उन्हें पढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग टॉक्स, जो बातें करने में मज़ा आते हैं वैसे बातें करते हैं. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. जब हम ये सब बातें कर रहे थे वो लोग क्या करते हैं, शांति से सुनते हैं. देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम लोग उसे क्या नहीं करते, दूसरे कोई लेसन्स जो है वो नहीं करवाते. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट, हैज टू टीच थॉटफुलनेस. तो हम लोग का जो ये है स्कूल, उस स्कूल का एम क्या है, तो हम बच्चों को इज नॉट सो मच टू टीच, ज़्यादा नहीं सिखाते हैं थॉट, जो हम सोचते हैं उतना. हैज़ टू टीच थॉटफुलनेस. थॉटफुलनेस मीन्स विचारशीला, विचारशीला मतलब ओके. काइंडनेस टू अदर्स एंड बींग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इसका मतलब हम काइंड होते हैं, काइंड दिखाते हैं, दयालु होते हैं दूसरों को लेकर. और रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार होते हैं सिटीजन्स के. ओके, तो हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो लोग सिटीजन्स, तो हम लोग की जवाबदारी बनती है, राइट. लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, विल यू, आप एक मिनट के लिए उस विंडो की बाहर देखिए, क्या आप देख सकते हो, विल यू. I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. तो मैंने जो है वो विंडो के पास गई, विंडो के पास वो गया और बाहर उसने देखा, वहाँ तो बहुत बड़ा सा गार्डन है, ठीक है. What do you see? तुमने वहाँ क्या देखा, Miss Beam ने उसे पूछा. ओके, I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me. तो उसने वहाँ देखा, क्या देखा, तो वहाँ बहुत ही सुंदर beautiful ग्राउंड था, अच्छा सा, उसने कहा. And a lot of jolly children. Jolly means बहुत ही मज़ेदार, cheerful, खुशी, आनंद से वहाँ उसने बहुत सारे ढेर सारे बच्चों को देखा. It pains me, pains me means make me sad, मुझे
क्या हो रहा था, पेंस हो रहा था, उदासी छा गई थी. ओके, थो टू सी दैट दे आर नॉट एट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. तो उसने देखा कि वो लोग जो है नॉट एट ऑल सो हेल्दी, मतलब वो हेल्दी नहीं थे, एंड एक्टिव लुकिंग मतलब कि देखने में भी एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे थे. किने किसे, उस लड़के को, ठीक है, वहाँ के सब बच्चे. व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट. लेड मतलब मैंने आपको बताया था, गाइडेड, ले जाना. तो जब वो आया था तो उसने देखा कि एक बहुत ही पुअर मीन्स गरीब लड़की जो है वो क्या हो रही थी, उसका लेड, लेड मतलब गाइडेड, ले जाना. शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज. मैंने देखा तो उस लड़की को क्या था, आँखों की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी. तो मैंने अभी देखा कि वैसे ही सेम जैसे मैं जब गेट में आया था, जब वो लड़की की आंखों पर पट्टी बांध रही थी और लड़का उसे क्या कर रहा था, गाइड कर रहा था, तो वैसे ही पोजीशन मैंने दो और लोगों की देखी. एंड देयर्स अ गर्ल विथ ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. क्रच, क्रच मतलब दुख, सॉरी, ए वुडन सपोर्ट फॉर द लेम पीपल. बेसिकली जैसे कि क्रच होती है, वुडन सपोर्ट फॉर द लेम पीपल, तो वहाँ पर क्रच होती है बैठने के लिए, चेयर जैसे होती है, पता है ना वे. एंड देयर्स ए गर्ल विथ ए क्रच वॉच, क्रच वॉचिंग द डे ऑन विच शी एक्ट्स एज ही वॉज लेम. जो उसके पाँव नहीं होते हैं, अपंग होती है, तो वैसे उस पर वो लड़की को उसने उस क्रच पर देखा. वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, तो दूसरे लड़के जो खेल रहे थे उनके ओर देख रही थी. शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल. होपलेस मीन्स अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप, उसकी कोई आशा ही नहीं थी. और क्रिपल मीन्स अपंग, क्रिपल मीन्स अपंग. ओके, होपलेस, उसको कोई आशा ही नहीं थी और वो क्रिपल मीन्स अपंग थी. मिस भीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड. तो मिस भीम जो है वो क्या कर रही, मिस भीम ने क्या किया, हंसा. ओ नो शी सेड, नो, हंसना नहीं, शी इज नॉट रियली लेम. सच बात तो ये है कि वो लेम मीन्स लंगड़ा नहीं है, लंगड़ी नहीं है. दिस इज ओनली हर लेम डे. आज सिर्फ उसका क्या है, लेम डे है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे. और बाकी के जो है वो अंधे नहीं है, लेकिन आज क्या है, उनका ब्लाइंड डे. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन. और उसकी हंसी देखकर मैं सरप्राइज हो गया. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, ये सब सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और फिर से वो हंसने लगी. दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम. ये हम लोग के सिस्टम में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून. हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, अप्रिशिएट मीन्स महसूस कराते हैं, ठीक है. यहाँ पर तो क्या, मिस अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य कैसे होते हैं. वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू, तो हम लोग उनके दुर्भाग्य को भी शेयर करते हैं. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, तो हर रोज़ के लिए एक लड़का जो है उसके लिए ब्लाइंड डे होता है. वन लेम डे मीन्स लेम मतलब मैंने बोला लंगड़ा, बराबर, लेम डे. वन डेफ डे मतलब जो सुन नहीं सकते हैं. वन इंजूर्ड डे एंड वन डम्ब डे. डम्ब डे एक इंजूर्ड आदमी, ठीक है. इस तरह से हम लोग में रोज़ एक एक क्या होती है सिस्टम. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर हॉनर नॉट टू पीप. पीप मीन्स बाहर झांकना. आंखों पर जब पट्टी बांधती है तो वो लोग का काम होता है, वो लोग को उसमें से झांककर नहीं देखना है. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. तो रात भर इस पुट, उसकी बैंडेज जो है वो रात भर के लिए लगाई हुई
रहती है. सो दे वेक ब्लाइंड, तो उनको लगता है कि हम अंधे ही है. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब ये है कि उन लोग को सभी की जरूर, सभी चीज़ों की जरूर पड़ती है. अदर चिल्ड्रेन आर गिवेन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट. तो दूसरे बच्चों को उनकी ड्यूटी दी जाती है, उनकी जिम्मेदारी दी जाती है. जैसे कि जैसे वो जब उसके आंखों पर पट्टी बांधी है तो उसकी ड्यूटी जो है वो दूसरे चिल्ड्रंस को दी जाती है. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. और इसी तरह से वो जो है बच्चों को अंधेपन का और मदद रूप, जैसे कि हर रोज़ हर एक बच्चे को सिस्टम आई, आज जिसने हेल्प की है उसको एक दिन पट्टी पे बांधनी होती है और जिसे पट्टी बांधी है वो एक दिन उसका हेल्पर भी बन सकता है. ओके, तो जो बच्चे हैं दोनों को उस चीज़ के फायदे मिलते हैं. ठीक है, इस तरह से हमने देखा. ठीक है चिल्ड्रंस, तो बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर सो मच, ऐसे ये लोग उसमें सिखाते हैं. ओके चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर हम लोग का सेशन कंप्लीट होता है. अगला जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. टेक्स्ट बुक पे आप एक बार रीड कीजिएगा. ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे.